सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिनकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। किस्मत के पन्ने वही पलटता है जो दिन रात मेहनत करता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। सफलता का रास्ता खुद को पहचानने से शुरू होता है। आज का पंचांग 2 मार्च 2024 दिन शनिवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 7:54 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 2:42 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:45 से 11:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 2 मार्च 2024 दिन शनिवार, कोई कानूनी मामला आपको यात्रा के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों से हर तरीके से बातचीत करें, जैसे फोन, ईमेल, टैक्स, पत्र लेखन। छोटे भाई बहन को आपकी मदद की जरूरत होगी या वो आपकी मदद करेगा। जब आप निर्णय लेते हैं तो अपने पार्टनर के ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करें। आज आपका सामना वित्तीय अनिश्चितता से होगा। आय और खर्चे के असंतुलन को भाप कर उचित निर्णय लें। धन की कमी जहां असुरक्षा पैदा कर सकती है, वहीं धन के अधिकता विलासशीलता की ओर ले जा सकती है। कभी कभी 2 कदम आगे बढ़ने से पहले 1 कदम पीछे लेना पड़ता है। आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। ऊर्जा और उत्साह का अतिरेक आपको घेर लेगा। आप सामने आने वाले सभी मौकों का भरपूर फायदा उठाएंगे। आप घूमने फिरने और पैसे खर्च करने के मूड में होंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। माता पिता के साथ अपनी खुशियां साझा करें। उन्हें महसूस करने दें कि आपके लिए उनकी कितनी अहमियत है। इससे उनका अकेलेपन का एहसास अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी का क्या फायदा अगर हम एक दूसरे का जीवन आसान ना बना सके। आपको आज ही अपनी प्रिय के दिल की बात बताने की जरूरत है, क्योंकि कल सुबह देर हो जाएगी। आपका जीवन साथी सहयोगी और मददगार रहेगा। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है और आप काफी समय सोच विचार करने में गवा सकते हैं। अपने जीवन साथी की खूबियों के चलते आप एक बार फिर उनके प्यार में गिरफ्तार हो सकती हैं। दिन कई तरह की गतिविधियों में आपको व्यस्त रखेगा। रिश्तेदारी से संबंधित किसी विवाद के मामलों को सुलझाने में आपका निर्णय सर्वोपरि रहेगा। अगर घर के परिवर्तन संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो उसे तुरंत क्रियान्वित करने का भी प्रयास करें। अपनी समस्याओं के बारे में केवल चुनिंदा लोगों के साथ ही चर्चा करने की जरूरत है। सोच में आ रहे बदलाव की वजह से अनेक बातें स्पष्ट होगी। इस कारण अटकी बातों को आगे बढ़ाना संभव हो सकता है। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें। किसी भी वजह से अपने काम पर बुरा असर ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। काम संबंधित टारगेट बड़ा महसूस हो सकता है, इस कारण तनाव रहेगा। पार्टनर और परिवार के साथ विवाद होने की संभावना बन रही है। पैर दर्द की समस्या भी हो सकती है, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज आप काफी व्यस्त रहेंगे। सिर दर्द और थकान हो सकती है। माता पिता के सहयोग से लाभ होगा। पुराने विवाद आसानी से सुलझ सकते हैं, लेकिन पहल आपको करनी होगी। पुराने दोस्तों से मिलना भी होगा। आज के दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। रचनात्मक कार्य में आपकी रुचि रहेगी। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। संतान को संस्कारों और परंपराओं का ज्ञान देंगे। करियर को लेकर आप कुछ बचत की योजना में निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर
मात्रा में मिलेगा, लेकिन आप किसी बाहरी व्यक्ति से कोई मन की बात ना करें, नहीं तो इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। सावधानियां, अचानक खर्चे आपको परेशान करेंगे। इस समय अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी ज्यादा प्राप्ति की इच्छा और काम के प्रति जल्दबाजी दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। संयम और धैर्य बनाए रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। विवाहेतर संबंधों में रुचि न लें। कोई जरूरी निर्णय लेने के लिए समय उचित है। अगर आप सिंगल हैं तो अभी कुछ समय इंतजार करें। अपने जीवन साथी के सुझावों पर हमेशा ध्यान दें, इससे आपको मंजिल जल्दी ही मिल जाएगी। प्यार भरे इन दिन रात को ऐसे ही ना जाने दें, बल्कि इस समय का सदुपयोग करें। आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भी आप और रोमांस के सपनों में खोए रहेंगे। आप में से कुछ आज अपने साथी को रिझाने के लिए अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास से आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। याद रखें, सच्चे प्यार का अंत कभी खुशनुमा नहीं होता, क्योंकि इसका कभी अंत नहीं होता। अभी पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के लिए आपके प्यार की सभी भावनाएं व्यर्थ की बधाओं और गलत फहमियों में उलझ कर रह गई है। आज कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके सारे संदेह मिट जाएंगे और एक दूसरे के लिए आपका सच्चा और गहरा प्यार तथा समर्पण खुलकर सबके सामने आ पाएगा। अपने पार्टनर की तारीफ करना ना भूलें। अपने अंतर मन की भावनाओं को रोमांटिक भाव गंभीरताओं से दिखाने का यह बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अपने कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी आवश्यक है। आप ये भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कार्यकलापों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। अच्छा, आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो आपको अपनी करियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। आज आप कुछ अलग और रचनात्मक करना चाहते हैं। धन की तुलना में आपके प्रियजन और छोटे भाई बहन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। छोटी यात्राओं या संचार के माध्यम से आप अपने और अपने कार्य के बारे में अधिक जानेंगे। आज जीवन साथी के साथ भी समय बिताएंगे। आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पेशेवर जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं है और आप असंतोष की भावना महसूस कर सकती हैं। आपकी योजनाएं और विचार बेहतरीन हैं, लेकिन अभी यह आपके सहकर्मियों और अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज नए काम या नौकरी से बचें और फालतू खर्च न करें। व्यावसायिक क्षेत्र में प्रत्येक गतिविधि में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। अपने कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिलने से आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। बात करते हैं सेहत की। दिन की शुरुआत साधारण होगी, लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रहे हैं उसका असर स्पष्ट दिखाई देगा। दिन के आखिर तक आपकी आध्यात्मिक मानसिक परत से जुड़ सकती हैं। बहुत ज्यादा दवाइयां ना खाएं, इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को काली चीजों का दान करें, जैसे काले कपड़े, काले तिल, काले उड़द के दाल इत्यादि। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।